आज हम लोग कोसी ही जा रहे हैं। रात्रि प्रवास मेरा उन्हीं इलाकों में रहेगा। इस बात की समीक्षा करने कि अगर कोई और प्रयास करने की जरूरत है ताकि ग्रामीणों को किसी तरीके की असुविधा ना हो। ये गलत है ना भाई। देखिए आदरणीय खड़गे जी उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में, सब में मुझसे बहुत बड़े हैं और उनका जो अनुभव है उसका हम सब सम्मान करते हैं। कई ऐसे युवा नेता हैं जो उनसे सीख लेने का काम करते हैं। ऐसे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, कल जहां एक तरफ हम लोग चिंतित हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर, भाई वो तस्वीरें मैंने भी देखी हैं जब वो भाषण देते देते लड़खड़ाए, हम लोग भी चिंतित थे। एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री फ़ोन कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ वो मेरे प्रधानमंत्री जब तक कुर्सी से नहीं हटेंगे इस तरीके की राजनीतिक बात कर रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य का इस्तेमाल राजनीतिक दृष्टि से कर रहे हैं, ये कैसी सोच है? एक राज्य में चुनाव जीतने के लिए खड़गे साहब जैसा इतना अनुभवी व्यक्ति, इतने सम्मानित व्यक्ति अगर ऐसी इस तरीके की राजनीति करेंगे तो मैं नहीं मानता कि अच्छा उदाहरण वो आने वाली पीढ़ी के लिए स्थापित करने का काम। समाजवादी पार्टी के विधायक है, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, तुम्हारा राज अब खत्म। देखिए हिंदू मुस्लिम करके कई लोग समाज में से बंटवारे की राजनीति करते हैं। हकीकत है देश में इससे भारतीय हैं और भारतीय मजबूती से आगे बढ़े, इस दिशा में हमारी सरकारें काम कर रही हैं। अच्छी बात है, लड़ जाएं।